सूजी पैनकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बाटी बेसन, एक बाटी रवा एंड एक बाटी दही यहाँ पे यूज़ किया है। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है। पानी आप बैटर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियो में चेकआउट कर लेना। ये एक बहुत ही हेल्दी एंड इजी रेसिपी है, 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। मिक्स होने के बाद यहाँ पे जितने भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे ले रही हूँ मैं कसा हुआ कच्चा आलू, ये बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, इसका क्रंच बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। देन यहाँ पे मसालों में जिंजर, स्वादानुसार नमक, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्यूमिन पाउडर भी बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। देन यहाँ पे खट्टापन लाने के लिए अमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप इसके बदले अगर आपके पास लेमन है तो वो भी स्क्वीज कर सकते हैं आधा या एक। बस अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है, अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे तो बेकिंग सोडा स्किप भी कर सकते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आपको इंस्टेंटली ये रेसिपी बनानी है, बिल्कुल भी रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है। यहाँ पे पैनकेक्स बनाने के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ कास्ट आयरन का पैन, इसमें थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ करना है, 1 टेबल स्पून लगभग। देन यहाँ पे मस्टर्ड, सेसमे सीड्स एंड फ्रेश कोरिएंडर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर आपको बैटर स्प्रेड करना है, आपको साइज जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको ढक्कन लगा के 4 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं ढक्कन निकालना है। एंड ये लो फ्लेम पर ही आपको करना है एंड दोनों साइड से आपको अच्छे से सेकना है। ये बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है गाइज, आप देख सकते हो, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। ये लंच में हो या टिफ़िन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पे केचप एंड दही के साथ में ये खाने जा रही हूँ, आप पिकल भी यूज़ कर सकते हैं या और भी कोई आपकी फेवरेट चटनी हो उसके साथ भी आप खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें।